नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान समेत राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की है। 3 राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे को राजस्थान का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इस सूची की खास बात यह है कि राज्य के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। हालांकि पहले पूनिया को अजमेर लोकसभा सीट से टिकट देने की चर्चाएं थी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से जारी आदेश के अनुसार पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे को राजस्थान का प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया, जबकि सह प्रभारी विजय राहट को बनाया गया है। राहटकर के साथ प्रवेश वर्मा को भी सह प्रभारी बनाया गया है। ये तीनों नेता आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति, नेताओं के दौरे भी हैं, जारी करेंगे, प्राधिकारियों की जिम्मेदारियों और लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की बागडोर संभालेंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को राजस्थान से हटाकर आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। पूनिया को हरियाणा भेजा है। 3 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की सूची में राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। पहले पूनिया को अजमेर सीट से टिकट देने की चर्चाएं थी। पूनिया संघ पृष्ठभूमि में आते हैं। पूनिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में आमेर विधानसभा सीट से भी विधायक रहे हैं। साथ ही विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में पूनिया को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें जाट बाहुल्य सीट अजमेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन हरियाणा चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही उन सभी अटकलों पर अब विराम लग चुका है। दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि राजसंबंध से वे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इन दिनों चूरू में राहुल कस्वा का टिकट कटने के बाद से ही कुछ हिस्सों में राठौड़ के लिए विरोध देखने को मिला है और ऐसी स्थिति को देखते हुए राजेंद्र राठौड़ अब चुनावी मैदान में मुश्किल ही आए। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।